असलकम कैसे हैं आप सब और ये वीकेंड का व्लॉग है देखिए सुबह सुबह का व्लाग है सुबह सुबह कितनी अच्छी खिली खिली सी धूप निकली हुई थी और आ गई हूँ मैं किचन में यहाँ पर और बनाने जा रही हूँ कुछ हेल्दी सा ब्रेकफस्ट आज तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने दलिया लिया है एक कप ये देख सकते हैं आप और दलिया को मैंने दो बार अच्छे से धो लिया आ, इसका जो भी गंदगी होती है ना तो वो निकाल लेंगे और दलिया का के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो आप सभी लोग जानते हैं और दलिया को फिर गर्म पानी के लिए थोड़ा सा अब भिगा दिया जब तक के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में ज़ीरा डाल दिया करी पत्ता डाल दिया और सूखी हुई लाल मिर्च डाल दिया और देखिए जब ये क्रैकल हो गया ना ज़ीरा वगैरह तो इसमें प्याज डाल दी है और थोड़ा सा एकदम एकदम छोटा आधा आधा स्पून अदरक लहसन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे ये ये मैं ना नमकीन दलिया बना रही हूँ वैसे तो ज़्यादातर दूध की दलिया खाते होंगे ये नमकीन दलिया है तो और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी होता है इसको भी ट्राई करिएगा फिर प्याज हल्की सी लाल हुई तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा मिर्ची डाला है एकदम थोड़ी थोड़ी सी और नमक डाल दिया है इसके बाद इसमें जो भी आपकी मनपसंद की सब्ज़ी होगी वो वो ऐड कर दीजिए और इसमें दलिया ऐड कर दीजिए सब्जियाँ जब भुन जाएंगी ना तो दलिया ऐड कर दिए देखिए दलिया जब तक प्याज़ वगैरह लाल हो रही थी सब्ज़ियाँ भुन रही थी गर्म पानी में दलिया भी अच्छे से भीग गई है तो इसको अच्छे से वो कर लेंगे और फिर ढक देंगे गलने के लिए थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटाएंगे टेन मिनट्स के बाद और चेक करेंगे कि वो गली है कि नहीं मेरी दलिया ना थोड़ी सी मोटी थी तो उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगा तो फिर वापस से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए चेक किया पहले फिर उसको रख दिया थोड़ी देर के लिए वापस से गलने के लिए क्योंकि अभी पूरी तरह से ये गली नहीं थी इंडिया में तो थोड़ी बारीक दलिया मिलती है ना यहाँ पे यहाँ की दलिया जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है उसके बाद दोबारा से मैंने देखा तो गल चुकी थी तो फिर अब देखिए मैं निकाल रही हूँ और एक तरफ चाय भी चढ़ी हुई है यहाँ पे देखिए एकदम खिली खिली कितनी ज़बरदस्त थी दलिया नज़र आ रही है और बच्चों लोग के लिए भी मैं नाश्ता लेकर आई थी तो मैंने बोला अच्छा तुम लोग अभी गर्म है जब ठंडा हो जाएगा तो मैं बुलाऊंगी और मैं और हस्बैंड बैठ गए थे खाने हस्बैंड को बहुत पसंद है ये वाली दलिया बोलते ऐसा नाश्ता रोज़ भी दोगी तो मैं रोज़ भी खाने को तैयार हूँ और ये देखिए नाश्ता वाश्ता करने के बाद आ गए हैं यहाँ पे देखिए हमने पर्दा लगाया पिछले व्लॉग में आपने दिख, आपको दिखाया था कि ये पूरा ओपन था अभी हम लोग ने पर्दा लगाया एक पर्दा मेरे पास पड़ा था जो कि जब लगाया तो पता चला कि वो शॉर्ट पर्दा था तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है नीचे से उजाला भी आएगा तो यहाँ पर देखिए कबूतर का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है और किस तरह से बैठा हुआ है और इसकी वजह से ना इतनी गंदगी होती है आजकल मेरे बालकनी में आप देख सकते हैं हर तरफ मतलब एकदम गंदा रहता है पूरा बालकनी क्योंकि बच्चा है ना तो इधर उधर फुदकता रहता है उड़ता रहता है एक जगह नहीं बैठ रहा है तो इसकी वजह से पूरे बालकनी में एकदम गंदी होती गंदगी हो जाती है कपड़ा वपड़ा फैलाने में भी मैं थोड़ा एक साथ इकट्ठे कपड़े कर लेती हूँ फिर देखिए अभी उधर की इधर की कबर्ड के ऊपर बैठा था अब सामने की कबर्ड के ऊपर आके बैठ गया तो पूरा दिन इधर उधर उड़ता रहता है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और यहाँ पे मैं बच्चों के नेल्स कट कर रही हूँ जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी तक गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी दो महीने का समर वेकेशन था तो और समर वेकेशन इतनी जल्दी ख़त्म हो गया है तो मैंने सोचा बच्चों के नेल्स वेल्स कट करके सब रेडी कर देती हूँ और यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के बाद बच्चों को मैं आज मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया था नाश्ता हैवी हो गया था तो फ्रूट्स व्रूट्स रखे हुए थे फ्रिज में तो दिन में मैं बच्चों को फ्रूट्स वगैरह मैंने दे दिया और हस्बैंड भी आ गए थे उनसे कुछ चीज़ें मंगाई थी तो वो लेकर आ गए थे देखिए ये लबन वगैरह लाए थे और कुछ कुछ चीज़ें और भी लेकर आए थे तो मैं आ गई हूँ आज अपने भाई की फरमाइश में भाई ने मुझे कुछ बोला था बनाने को तो ये देखिए जिसके लिए मैंने बादाम लिया है काज पिस्ता लिया है थोड़े से ना मेलन uh, के बीज लिए हैं इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी एक स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ खस्ता जिसको बोलते हैं तो नॉर्मली उसमें लोग ना मैं सिर्फ ऐसे ही बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं मगर ना ड्राई फ्रूट्स डालने से थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है और थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाता है तो यहाँ पे देखिए मैंने मैदा लिया है और इसमें जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो ऐड कर दिया है यहाँ पर सूखा हुआ नारियल भी ऐड कर दिया है इसके अंदर ये जो मीठी टिक्कियाँ होती है ना वो है और थोड़ी सी ऊपर से सूजी डाल दिया सूजी डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ऊपर से इसमें घी डाल लीजिए या ऑयल डाल लीजिए और घी डालने के बाद मैंने इसमें डेढ़ कप चीनी डाल लिया था अब इसको अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं मैं तो यहाँ बनाती नहीं हूँ इंडिया में तो अक्सर ये सब चीज़ें बनती रहती है है ना तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है पहले और इलायची डालना भूल गई थी तो बाद में मैं इलायची को पीस रही हूँ कुट मतलब कूट रही हूँ चीनी थोड़ी सी डाल के जब चीनी डालते हैं ना तो इलायची जल्दी से आ, वो हो जाती है पिस जाती है तो इसको ना छिलका निकाल लेंगे इसको इस तरह से छान के मैंने डाला है नहीं तो छिलका मुँह में आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा तो पूरा इलायची और जो शुगर का पाउडर था ना उसको मैंने छान लिया है और ये छिलका को वेस्ट नहीं करेंगे ये छिलके को मैं डाल देती हूँ चाय की पत्ती के डब्बे में खुशबू भी अच्छी आ जाती है और चाय में टेस्ट अच्छा आ जाता है तो इस तरह से मैं चाय की पत्ती में मिक्स कर लेती हूँ सारा जो भी इलायची का छिलका रहता है फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको गूंदेंगे तो गूँने के लिए मैंने दूध हल्का सा गुनगुना कर लिया था एकदम ठंडा फ्रिज से निकाल के नहीं यूज़ करना है हल्का सा गुनगुना कर लेंगे पानी में भी आप इसको गूँंद सकते हैं मगर दूध से गूंदेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन टिक्कीियों का तो और एकदम खस्ता खस्ता उसका वो रहता है क्रिस्पीनेस रहती है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के आराम से इसको गूँधना है तो मैंने ना खस्ता भी बनाया था और मैंने गुजिया भी बनाया था तो यहाँ पे अभी सिर्फ खस्ते का मैं आटा गूंद रही हूँ ये देखिए अच्छे से कड़क आटा गूंदना है एकदम मुलायम नहीं गूंदना है तो यहाँ पे मैं आटा मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है काफ़ी देर से गूंद रही थी ये देखिए और यहाँ पे ना काउंटर को ही मैंने अच्छे से तीन चार बार साफ कर लिया था तो साफ कपड़े से काउंटर पर ही मैंने आटा ये देखिए आटे को फैला लिया है सूखे आटे को फिर उसके बाद ये आटा लेके के बिस्को बेलूँगी इसी में क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि एक साथ आप बड़ा सा वो बेल सकते हो फिर कई सारे वो जो टिक्कियाँ हैं एक साथ आप कट कर सकते हैं ये देखिए तो इस तरह से मैंने इसको पूरा बेल लिया है पूरी तरह से चारों तरफ से एक बराबर साइज़ का कहीं मोटा कहीं पतला ना हो जाए तो साइडों में भी इस तरह से इसको दबा देंगे और ये जो स्टील का गिलास था तो इस वजह इसी से मैं कट कर रही हूँ चाहे तो इसको कुकी कटर से भी कट कर सकते हैं जिस भी शेप में कट करना चाहें तो मैं इस तरह से मैंने ग्लासेस से ही ग्लास से ही सारे कुकीज़ को सारे जो खस्ता है ना उसको कट कर लिया है ये देखिए तो बन गया है एक अब दूसरा ट्रिप बनाने जा रही हूँ मैं तो इसको भी इस तरह से सब बेल लिया है हर तरफ से चारों तरफ से अब इसको कट कर लेंगे तेल रख दिया था गरम होने के लिए और इसको मीडियम आंच पे मतलब धीमी आंच पे तलना है बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं चल तलना है क्योंकि ऊपर से ना फिर वो ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि क्रिस्पी ना हो तो इसको मीडियम आंच पे स्लो स्लो करना है फिर मुझे याद आया कि मैं तिल लगा देती हूँ तो देखिए बाद में मैंने ना तिल भी ऐड किया तो तिल को इस तरह से ऊपर से डाल के फिर बेल लेंगे तो देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी जो टिक्कियाँ हैं खस्ते हैं वो बन के रेडी हो गए हैं यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है और इसी तरह से धीमे धीमी आंच पे ही इसको फ्राई करना है ये सारी टिक्कियाँ बन गई हैं बाद में मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया था और इसको आराम आराम से डालना है चिपके भी नहीं और बीच में जब एक साइड का हो जाए तो धीरे धीरे से इसको पलटते रहेंगे और यहाँ पे देखिए ये भी सेकेंड बैच भी रेडी हो गया है ये देखिए तिल वाले थे तिल वाले भी रेडी हो गए तिल वाले ना देखने में थोड़ा सा अच्छे लग रहे थे और फिर मैं जल्दी जल्दी अपना काम भी निपटाती जा रही थी जो भी बर्तन वर्तन निकले थे वो सबको भी धोती जा रही थी अच्छा मेरी आदत है जैसे ही ना मैं काम करती हूँ तो जो भी बर्तन निकलते हैं तो फिर मैं बेसिन में इकट्ठे नहीं होने देती हूँ सब उसी वक्त साफ़ करती जाती हूँ इससे क्या होता है बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं हो पाते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि किचन भी थोड़ा साफ दिखता है तो जब भी कुछ करती हूँ तुरंत तो उसी वक्त साफ़ कर लेती हूँ देखिए जो सुबह दलिया बनाया था उसको भी मैंने एक शीशे के बोल में निकाल के रख दिया है Uh, क्योंकि हस्बैंड को चाहिए थी वो बोल रहे थे मैं शाम में खाऊंगा तो रख दो तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी खाली करके रख दिया है अब इस कढ़ाई को भी मैं वॉश कर लूँगी दलिया को मैंने जो खाली किया था फ्रिज में रख दिया था अब इस कढ़ाई को भी मैं वॉश करके रख दूँगी जब तक ना वो टिकिया उधर फ्राई हो रही हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने एक बड़े से थाले में रख लिया है पेपर बिछा के ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऑब्जॉर्व हो जाए और मशीन भी चालू किया था तो साथ से साथ कपड़े भी हो गए हैं कपड़े भी सारे वॉश हो गए हैं और यहाँ पे देखिए जो है बता रही थी ना कितना गंदा हुआ है तो पहले तो मुझे बालकनी क्लीन करनी पड़ेगी उसके बाद ही मुझे आ, ये पूरा वॉश करना कपड़े जो है वो सुखाने पड़ेंगे देख सकते हैं कितने मज़े से बैठा हुआ है बच्चा पूरी जगह गंदा करके और इतने मज़े से अच्छे से आराम आराम फरमा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने सोचा कि झाड़ू पहले कर लूँ उसके बाद में कपड़े सब फैला देती हूँ कपड़े भी सब हो गए हैं और पर्दा लगाने से ना ये आसानी हो गई है कि इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था तो आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा धूप होती थी पूरे बालकनी में और मैं ना दिन में कपड़े नहीं फैला पाती थी मैं शाम में ही फैलाती थी, थी। आ, मगर अभी जो है थोड़ा पर्दा लगने की वजह से थोड़ा तो शेड आ गया है तो इस वजह से अच्छा हो गया है तो सारे कपड़े जो थे मैंने फटाफट से सारे कपड़े फैला दी हूँ और उस साइड में रख रही हूँ एकदम बालकनी के उस साइड ताकि जिधर कबूतर नहीं बैठता है क्योंकि कबूतर इधर दोनों कबर्ड्स के ऊपर बैठता है ना बीच में सेंटर में कॉर्नर में उस साइड पे नहीं, नहीं आता है तो इसलिए उधर फैला दिया और बाहर देखिए कितनी तेज गर्मी है एकदम भाप जैसा दिख रहा है और शायद अगस्त में ही इतनी गर्मी है उसके बाद सितंबर चालू हो हो गया है ना तो सितंबर में थोड़ी थोड़ी गर्मी कम होने लगेगी अभी भी शाम में काफ़ी अच्छी हवा चलती है अगस्त इतना गर्म नहीं था जुलाई के कंपैरिजन और यहाँ पे ना सारी टिक्कियाँ बन गई हैं पूरी ये लास्ट पैच था तो उसको भी मैंने सब निकाल लिया देखिए पूरी बन के रेडी हो गई हैं उसके बाद काउंटर वगैरह मैंने साफ़ कर लिया सब सारी चीज़ें धो वो के रख दी किचन साफ़ कर दिया ताकि फिर से किचन में आके कोई काम ना निकले क्योंकि किचन का जब भी आओ तो बर्तन रहते हैं बेसिन में या तो फिर कुछ ना कुछ काम रहता है और फिर मुझे याद आया कि बच्चों के टिफिन बॉक्स और बॉटल्स वॉश करके रख लूँ क्योंकि स्कूल ओपन होने वाला है तो वीकेंड तो चल ही रहा है मंडे से मतलब स्कूल था तो सारी चीज़ें पहले से वॉश करके रख लिया यूनिफॉर्म जो हम लोग नया लाए थे आपको दिखाया था ना उसको भी मैंने वॉश करके आयन करके पहले ही रख दिया था तो यूनिफॉर्म की तो टेंशन नहीं थी बस टिफ़िन विफिन सब वॉश करके मैंने ना गुजिया, गुजिया भी बनाई थी पूरी जिसको बोलते हैं तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी क्योंकि इस व्लॉग में अगर कर शेयर करूंगी एक और रेसिपी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वो मैंने साथ ही साथ बनाया था खस्ता और गुजिया दोनों उसके बाद हम लोग निकल गए दिन में असर की नमाज़ पढ़ के चार बजे के करीब हम लोग बाहर निकल गए थे बच्चों के हेयर कट कराना था शूज़ वूज़ लेना था और हस्बैंड को भी एक दो चीज़ें लेनी थी अपनी तो बस हम लोग निकल गए शूज़ वूज़ लेने के बाद आ, हम लोग आ गए थे एक मॉल में तो हस्बैंड को अपनी तो कार की चीज़ें चाहिए थी तो वो देख रहे थे और बच्चों को ना अपने टॉयज़ दिख गए थे तो देखिए बच्चे अपने कार कार वार के सेक्शन में अपने टॉयज़ के सेक्शन में आ गए जुहान देखिए परेशान हो रहा है कौन सी कार लूँ कौन सी कार लूँ मैंने कहा कुछ भी नहीं लेना है स्कूल ओपन होने वाला पढ़ाई करनी है और यहाँ मैं बर्तनों के सेक्शन में आ गई थी ऐसी चेक करने के लिए तो देखिए कितने ख़ूबसूरत खूबसूरत वो फ़्लास्क है ना चाय की केतलियाँ इतनी अच्छी अच्छी थी देखिए तो बर्तनों के कलेक्शन भी इस तरह के भी आए हुए थे वो पॉट्स और केतलियाँ देखिए ये कितनी खूबसूरत है एकदम शोपीस जैसी थी उसमें लगा दो तो शाइनिंग मारेगा लाइट चमकेगी ना शोकेस में रख दो तो और शाइन करेगी बहुत अलग अलग डिजाइन की बहुत अच्छी अच्छी थी इस तरह की भी थी फिर बच्चों के बाल कटाए बच्चों के ये बाल साइड से दिखाओ अपना। एक्साइटेड इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर यूर ऑल यूनिफॉर्म आयन किए आ, सारी चीजें रेडी हो गई। या। बस कल सुबह सो के उठ के स्कूल जाना है ना या। hmm. और फिर हम लोग के लेते हुए घर की तरफ आ गए मतलब बैठ के वहाँ खाए भी नहीं ले लिया हम लोगों ने बस ऐसे पेट्रोल पंप से रास्ते में पेट्रोल पंप के पास गुजरा था तो हम लोग ने ले लिए और हम लोग तो, तो गाड़ी में बैठे थे हस्बैंड ले लिए और फिर घर आ गए तो डिनर करने के बाद मैंने सोचा बच्चों की टिफ़िन की तैयारियाँ कर देती हूँ क्योंकि फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल है पता नहीं लेट अगर मैं सो के उठूँगी तो अंदाज़ा नहीं है ना तो मैंने सोचा रात में ही आधी प्रिपरेशन कर लूँ तो कढ़ाई में मैंने बटर डाला था और उसमें गार्लिक डाला था बारीक बारीक कट करके और यहाँ पे मैं हेल्दी सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बच्चों के लिए बड़ों के लिए उसके बाद मैंने प्याज डाला था उसी मक्खन में और फिर पालक और कॉर्न पालक कैरेट और कॉर्न मकई के जो दाने होते हैं ना वो मैंने डाला था जो भी सब्जी आपको डालना है वो डाल सकते हैं मगर इसमें ना पालक का और कॉर्न का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है जब सब्ज़ी अच्छे से भुन गई सोटे हो गई तो उसमें मैंने आटा डाल दिया मैदा नहीं डाला मैंने आटा डाला है और इसको आटे को अच्छे से भून लेंगे ये देखिए आटा भुन गया है तो फिर मैं इसमें ना दूध ऐड कर रही हूँ दूध ऐड करके धीरे धीरे मिक्स करेंगे दूध इसलिए क्योंकि थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए तो दूध मैंने डाल दिया है और दूध में इसको पकाएंगे बाद में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है ऊपर से काली मिर्च यहाँ पे डाले डाला है और औरिगैनो डाला है बस ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे इसमें और इसका ऐसे ही टेक्स्चर क्रीमी टेक्स्चर रहता है अच्छा लगता है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाद में आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं चीज़ नहीं भी है तो खाली दूध डाल दीजिए उसका क्रीमी टेक्स्चर तो वैसे ही आ जाता है चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए बन के रेडी हो गई नमक वगैरह चक लीजिए थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया और फिर बॉटल्स वग़ैरह मैंने भर दी बच्चों के बैग तो पहले से पैक थे हम लोग ने सुबह ही पैक करवा दिए थे और बस बॉटल वॉटल फिल करके मैं रख रही हूँ दो महीने की इतनी लंबी छुट्टी थी ना कि फिर याद भी नहीं होती है चीज़ें और यहाँ पे आई कार्ड में मेरी पहले से आदत है आई कार्ड वगैरह सामने ही रख देती हूँ आई कार्ड जुहान का चश्मा और शूज़ वूज़ सब आगे रख देती हूँ पॉलिश करके तो सब चीज़ें मैंने साथ साथ रख दिया था और ये हो गई है अगली सुबह सुबह के छः बजे मैं बच्चों को उठाने आई हूँ तो उठने में थोड़ा तो टाइम लगाए बच्चे मगर उठ गए थे क्योंकि शाम में जल्दी सुला दी थी और जो छुट्टियां थी ना उसमें तो दोनों बच्चे आराम से सो के उठते थे साढ़े दस बजे ग्यारह बजे तो ज़ाहरी बात है साढ़े दस और ग्यारह बजे उठने वाले बच्चे और सुबह सुबह अगर उनको उठाओ छः बजे तो कितनी तकलीफ़ होगी मगर फिर भी उठ गए थे बच्चे थोड़ा पाँच दस मिनट के बाद और यहाँ देखिए दोनों एक एक बाथरूम में चले गए और ब्रश व्रश कर रहे हैं रेडी होने के लिए देखिए उठ गए थे टाइम नहीं लगाए ज़्यादा और मैंने सुहान को रेडी कर दिया था सुहान आके बैठ गए थे किचन में और ज़ायद भी रेडी हो गए थे और यहाँ देखिए इसको मैंने अंडा बॉईल करके रख दिया था और ये जो क्रीम क्रीमी वो बनाया था ना फिलिंग सैंडविच कि उसको हल्का सा मैंने गर्म कर लिया और इसको ब्रेड के बीच में इस तरह से रख लेंगे और ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे और इसको सेक लेंगे तो मेरे पास ग्रिलर भी है मैं उसमें भी सेक सकती हूँ मगर मैंने तवे पे ही सेक दिया कि जिनके पास ग्रिलर नहीं है तो ये इस तरह से भी सेक सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसको ट्राई ज़रूर करिएगा बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही अच्छा है और टेस्टी भी है खाने में भी अच्छा लगेगा बड़े लोग भी खा सकते हैं तो ये तीन ब्रेड है एक हस्बैंड के लिए है और एक एक दोनों बच्चों के लिए है। तो देखिए तीनों ब्रेड बन गई फिर इस तरह से बीच में मैंने बीच से इसको कट कर लिया है और कट करके बच्चों के टिफिन में मैं रख दूँगी एक जायद का टिफ़िन है एक जुहान का टिफिन है तो दोनों बच्चों के टिफिन जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी और फिर ये था कि टाइम भी हो रहा था नीचे उतरने के लिए बच्चों के स्कूल जाने के लिए और एप्पल्स कट करके मैंने रख दिया था और फिर मुझे याद भी नहीं था कि बच्चे अक्सर बोलते मम्मा छिलका उतार दीजिए मगर मैंने ऐसे ही रख दिया और देखी थी तो बच्चों ने खा लिया था मतलब और एक एक प्लम्स रखा था मैंने तो दोनों बच्चों की टिफ़िन देखिए रेडी हो चुकी है और ये सैंडविच उन बच्चों के लिए भी अच्छा है ना जो पालक वालक नहीं खाते हैं तो पालक सैंडविच के अंदर छुपा के दे दो बच्चों को बस बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया है बच्चे ज़्यादा कुछ खा के नहीं जाते हैं सुबह तो वो एक एक बॉयल एग ही बच्चों को दिया था बस तो देखिए यहाँ पे बच्चे अपने अपने टिफ़िन विफिन पैक कर रहे हैं बॉटल्स और आती में मैंने भर के रख दी थी बस उन लोगों को आई कार्ड वगैरह याद दिला रही हूँ और ये है न्यू यूनिफॉर्म जो जायेद ने पहना है जुहान का तो आज पी ड्रेस है तो इसलिए जुहान रेड मतलब पी डे है तो इसलिए जुहान रेड अपने हाउस कलर की टी शर्ट और पैंट पहन पैं के जा रहा है मगर जो जायेद ने पहना है ना वो है इन लोगों का फुल यूनिफॉर्म तो ये वाला पी ई वाला भी हम लोग ने न्यू ही लिया था तो हम लोग उतर गए हैं छः चालीस पे तक बस का आने का था तो हम लोग छः पैंतीस तक ही उतर गए थे नीचे और देखिए बच्चे तो जब उठे थे तो ऐसा तो लग रहा था कि नींद में है मगर बाद में एकदम एक्साइटेड हो गए क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है ना तो बच्चे एकदम रेडी हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इस यूनिफॉर्म में ना टाई नहीं है तो अच्छा है कि गर्मी में बच्चे ये नहीं परेशान करेंगे कि मम्मा टाई ताइ, टाइट मत करिए थोड़ा लूज करिए तो सही है।, सही है अब तो नहीं निकल रहा है और बस बस आने वाली है तो हम लोग वेट कर रहे थे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बच्चे एकदम एक्साइटेड है फर्स्ट डे के लिए आज स्कूल के लिए और मैं ज़ाहिरदान को ये बता रही थी पता है कि मेरा भी हाउस जब मैं स्कूल में थी ना तो रेड कलर ही था मैं रेड हाउस था मेरा तो मैं भी रेड टी शर्ट पहन के जाती थी तो यहाँ देखिए बस भी आ गई है बस बच्चे जा रहे हैं स्कूल तो अल्लाह पाक सबको सबके बच्चों को हमारे बच्चों के और सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और बच्चे जाएं और अच्छे से पढ़ के और सलामती के साथ घर वापस आएं बस ये दुआ है तो जुहान का हाथ पकड़ के मैंने उसको रोड क्रॉस करा दिया और सब बच्चे बैठ रहे तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा था बहुत अजीब भी लग रहा था क्योंकि इतने दिन घर पे थे और फिर उसके बाद स्कूल ओपन हो गया सुबह के निकले निकले मतलब बच्चे आएंगे आधे दिन में पौने तीन बजे आते हैं कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे चार साढ़े चार बजे तक भी आते हैं तो बस आधा दिन से ज़्यादा बच्चों का स्कूल में ही चला जाता है तो बच्चों की देखिए बस निकल गई है और मैं भी आ गई हूँ घर पे और यहाँ पे मैं हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी कर रही थी क्योंकि मैंने चावल तो पहले ही चढ़ा दिए थे और उनकी भी आधी तैयारी हो ही गई थी आधी आधे से ज़्यादा टिफिन की तो बस टिफिन जो है बस पैक करना है उनका यहाँ पे देखिए सैंडविच मैंने रख दिया है उनके लिए भी बच्चों का स्कूल खुल गया है तो ऐसा लगता है कि हम लोगों का भी स्कूल खुल गया है मतलब हम लोगों की भी ड्यूटियाँ चालू हो गई हैं वरना तो ऐसा हम लोग की भी छुट्टियाँ चल रही थी मदर्स की भी छुट्टियाँ ही चल रही थी तो बस बैक टू रूटीन आ गए हैं और इनशाला एक दो दिन थोड़ा सेट लगता है सेट होने में लगता है जैसे बच्चों को और यहाँ पे देखिए कबूतर की, की माँ आई है अपने छोटे बेबी को फीड करा रही थी और उड़ना सिखा रही थी बैल्कनी में तो मैंने कैप्चर कर लिया उसको बहुत अच्छा लगता है सब देख के मगर क्या करें गंदगी भी होती है तो फिर थोड़ी उलझन भी होती है ना और यहाँ पर देखिए हस्बैंड के टिफ़िन रेडी हो गए एक में सैलड है एक में वो दलिया है जो कल मैंने बनाई थी और एक में सालन है एक में चावल रोटी है और एक में सैंडविच है और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स भी रख दिया है तो बस अब मैं थोड़ा आराम करूँगी सो के उठ के फिर फिर दूसरे कामों में लग जाऊँगी लंच वंच के चलिए फिर मिलती हूँ अदर ब्लॉग में तब तक के लिए दुआ में याद रखिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज